मैं सीधे अपने मेहमानों के पास चलता हूं और शुरुआत विनोद अग्निहोत्री जी आपसे ही करता हूं। हम लोग कई बार इंडिया अलायंस के ऊपर किस तरीके की मुश्किलें हैं उस पर कई बार हम बात कर चुके हैं। उसमें हमने ये भी कई बार बात करी है कि सबसे ज्यादा जो दिक्कत वाले राज्य होंगे वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जहां आमने सामने खड़ी है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, वो राज्य होंगे। लेकिन इस तरीके से एक दूसरे के पीछे पुलिस का जो कार्रवाई हुई है उसको जिस तरीके से अब देखा जा रहा है, आपको लगता है कि अलायंस पर इसका एक नेगेटिव असर पड़ेगा? नहीं, निश्चित रूप से इस तरह की जब घटनाएं होती है अंकित जी, तो तनाव तो पड़ता ही है आपस में, गठबंधनों में। अभी आप एक ताजा उदाहरण देख लिए तमिलनाडु का, जरा सा बयान दिया अन्नामलाई ने ऊपर अन्नादुराई जी को लेकर के, और एआईडीएमके ने अपने को अलग कर लिया एनडीए। वहां तो सिर्फ बयान की बात, यहाँ तो एक उनके पूर्व सीएलपी और मौजूदा विधायक और कांग्रेस दल के चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के अंदर इस पर एक मंथन चिंतन तो होगा ही। जिस तरह पंजाब में कांग्रेस के सारे नेता, चाहे वो प्रताप सिंह बाजवा हो या राजा वरिंदर सिंह हो, सारे लोग जो है जिस तरह हमलावर हुए हैं, तो रिश्तों में खटास तो आएगी। देखिए, पंजाब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाला स्टेट है इंडिया अलायंस के लिए, दिल्ली से भी ज्यादा। और मैं एक बात और कह दूं आपको, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी का जो हाईकमान है अरविंद केजरीवाल जी, वो दिल्ली का मामला तो सुलटा लेंगे शायद कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठ के, पंजाब का मामला कैसे सुलटाएंगे वो एक बड़ा पेच है। क्योंकि 2019 में 13 में से 8-9 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और आम आदमी पार्टी ने एक सीट जीती थी। बाद में एक सीट जालंधर की खाली हुई, आम आदमी पार्टी ने जीती। और हालांकि भगवंत मान अपनी सीट जो उनसे खाली हुई थी वो बाई इलेक्शन में हार गए, सिमरनजीत सिंह मान जीत गए। तो इसको लेके दोनों पार्टियों में बंटवारे को लेके तो पेच पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, एक दूसरे पर जो दबाव पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से पंजाब की जो कांग्रेस पंजाब है, कांग्रेस यूनिट है, उसका बराबर दबाव है कि हम 13 की 13 सीटें लड़ेंगे। माफ कीजिएगा, सुखपाल खेरा उस वक्त बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि वहां चले जाएं, लेकिन वो शायद दोबारा जब वो हमारे पास उनका साउंड बाइट आएगा तो जाएंगे। पर विनोद जी फटाफट अपनी बात खत्म कीजिए, फिर मैं जरा बाकी अपने मेहमानों को भी लेके आता हूं। अच्छा, तो मैं वीरेंद्र वशिष्ठ साहब, तो कांग्रेस पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है सर, उससे तो समर्थन मिल नहीं रहा है सुखपाल खेरा साहब को, तो कंफ्यूजन कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या? सेंटर दिल्ली में कुछ अलग बात, चंडीगढ़ में कुछ अलग बात? वशिष्ठ साहब आप म्यूट पर हैं सर, अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद अंकित जी। मैं आज के प्रकरण के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोग इंडिया के साथी हैं, पर पंजाब के अंदर कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। आपको इस चीज को नहीं भूलना होगा। मेरे को लगता है कि आज की जो कार्रवाई हुई है, और ऐसे दिन पर हुई है कि अशोभनीय है कि इस प्रकार की कार्रवाई भगत सिंह जी की जयंती के दिन पर की गई, और भगत सिंह जी और हमारे साथियों ने उनको आदर्श माना है। और सुखपाल खेरा जी के पिछले वैसे कभी के भी ट्वीट देखे, पर पिछले 15 दिन के ट्वीट देखे हैं कि हम कांग्रेस के लोगों की आवाज उठाते हैं, लोगों की बात रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पहली नजर में ये बदलाखोरी, या जो पंजाबी में बदलाखोरी कहते हैं, और इसको आम भारत में द्वेषपूर्ण कार्रवाई कहा जाता है, कि ये पहली नजर में द्वेषपूर्ण कार्रवाई लग रही है पंजाब सरकार। सर, पहली नजर में द्वेषपूर्ण क्यों आपको कार्रवाई लग रही है? केस है उनके ऊपर, अगर उनके ऊपर दोबारा इन्वेस्टिगेशन हो सकती है तो आम आदमी पार्टी कर रही है। अपनी प्रदेश यूनिट के संपर्क में है और हमारा पूरा समर्थन है। सुखवीर खेरा जी, जो सुखपाल खेरा जी पंजाब के लोगों की आवाज उठा रहे थे, चाहे वो मोगा में हमारे ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट के ब्रदर की किडनी का मामला हो, या आपने अभी कांग साहब जो जो परेशानियां आप और पॉलिटिकल पार्टी से बताते थे, वो अब दिख रहा है आम आदमी पार्टी पर बिल्कुल, अब वही आरोप लग रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर बदले की आप कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो नई इन्वेस्टिगेशन चलाने का क्लॉज था, उसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि सुखपाल खेरा आपके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अरे, ये कोई नया केस नहीं है। देखिए अंकित जी, देखिए ये मामला बहुत पुराना है। 2015 में जब पहली एफआईआर हुई, उस समय सरकार श्रोमणी अकाली दल और भाजपा की थी। जब सुखपाल सिंह खेरा इसमें इन्वॉल्व किए गए 2017 में, तब सरकार कांग्रेस की थी।
जब 2021 में सुखपाल सिंह खैरा अरेस्ट होते हैं तब सरकार कांग्रेस की थी और सुखपाल सिंह खैरा भी कांग्रेस के मेंबर थे। तो ये मामला बहुत पुराना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नशे का बहुत बड़ा कारोबार पंजाब में ड्रग का एक पूरा सरगना काम करता है। मान साहब की सरकार ने पंजाब के लोगों से वादा किया था कि नशे को जड़ से खत्म करेंगे, उसमें चाहे कोई पुलिस ऑफिसर हो, अपना हो, बेगाना हो, विधायक हो, बड़ा पॉलिटिशियन हो। और पिछले दिनों में देखा हो अंकित भाई, हमने एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, एक सवाल का जवाब देंगे आप, एक सवाल का जवाब देंगे सर आप, आपने कहा 2015 का मामला है, पुराना मामला है। सुखपाल खैरा आपको याद है आपकी पार्टी में कब थे सर? नशे के खिलाफ अगर आप लोग बात करते थे तो ऐसे आदमी को जिसके ऊपर नशे का आरोप लगा हुआ था वो आम आदमी पार्टी में करने क्या आया था फिर? सुनिए, सुखपाल खैरा जब इसमें इन्वॉल्व किए गए तब वो कांग्रेस में जा चुके थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसमें 2016 में सुखपाल खैरा किस पार्टी में थे सर? हेलो, पोजीशन पे थे 2016 में सुखपाल खैरा किस पार्टी में थे? जब सुखपाल सिंह खैरा पे ये मामला दर्ज हुआ तब सुखपाल सिंह खैरा आम आदमी को छोड़कर कांग्रेस में जा चुके थे। अरे सर 16 में कौन से, आपने कहा 2015 का ये मामला है, 2015 और 16 में सुखपाल खैरा आम आदमी पार्टी के साथ थे, तब आप लोग साथ में बैठ के कहते थे कि देखिए इनके ऊपर फर्जी मामले बनाए जा रहे हैं। अंकित जी मेरी बात सुनिए, 2017 में जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ, जब पैसे इनकम से ज्यादा जो सोर्स सामने आया उस समय आम आदमी, तब सुखपाल सिंह खैरा को इस केस में जोड़ा गया है, तब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का, और इसमें जो गुरदेव सिंह है जो सुखपाल सिंह खैरा के बहुत नजदीकी रहे जो इसमें कन्विक्ट हो चुके, ठीक है, उसके बयान के आधार पर सुखपाल सिंह खैरा इसमें अक्यूज्ड बनाए गए, और जब अक्यूज्ड बनाए गए तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है इन्वेस्टिगेशन आपने, चल सकती है। आपने आपने ये बात डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कही, पर विनोद जी आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो आम आदमी पार्टी खुल के कहती है कि ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है हमारे खिलाफ, सीबीआई का बेजा इस्तेमाल हो रहा है हमारे खिलाफ, अब वही आरोप उन पे भी लग रहे हैं। सुखपाल खैरा पे बता रहे हैं कि देखिए ईडी की इन्वेस्टिगेशन है जिसमें उनका नाम लिख दिया गया था, और वही ईडी दिल्ली में इनके लिए खराब हो जाती है। देखिए अंकित जी यही तो विडंबना है, यही विरोधाभास है भारतीय राजनीति का, कि जिसके पास जो एजेंसी है वो अपने तरीके से उस एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है। अब याद कीजिए दिल्ली के एक बीजेपी के नेता तेजेंद्र बग्गा हैं, उनके खिलाफ भी पंजाब की पुलिस गिरफ्तारी का वारंट लेके उनको गिरफ्तार करने आ गई, और तब दिल्ली की पुलिस ने पंजाब पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया उनकी किडनैपिंग का, और हरियाणा पुलिस ने उनको वहां पकड़ लिया, पंजाब पुलिस उनको ले जा रही थी, तो उस वक्त तीनों राज्य आपस में ऐसे भिड़ गए थे, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस एक साथ थी और पंजाब पुलिस एक तरफ थी। तो अजीब विचित्र स्थिति देश में है इस समय कि जिसके पास जो एजेंसी है वो उसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधी खिलाफ कर रहे हैं। अब ये आम आदमी पार्टी दिल्ली में कहती है कि साहब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जो गिरफ्तारियां हुई हैं गलत हुई हैं, और पंजाब में वो 2015 का मामला निकाल करके और सुखपाल खैरा को गिरफ्तार कर लेते हैं, अभी मनप्रीत बादल के बारे में बात चल रही शायद उनके ऊपर भी कोई कार्यवाही होने वाली है। तो अब ये नहीं समझ में आता है कि राजनीतिक मामले राजनीतिक प्रतिशोध के हैं या वाकई आपराधिक मामले हैं। अगर आपराधिक मामले हैं तो फिर उनको आपराधिक तौर पर देखा जाए, उनको उस तरह से निस्तारण किया जाए। लेकिन वो आपने सही प्रश्न किया कि सुखपाल खैरा 2015 में अगर इसमें थे अक्यूज थे तो फिर 2016 में आम आदमी पार्टी में क्या कर रहे थे और बाद फिर कांग्रेस में चले गए। तो ये जो नेताओं का आना जाना है, अभी कल को अगर सुखपाल खैरा आम आदमी पार्टी में आ जाए तो सारे केस माफ हो जाएंगे। ये भारतीय राजनीति की बड़ी विडंबना है और बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण। वशिष्ठ साहब तो क्या ये मान लिया जाए कि कम से कम पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ नहीं आ सकती? अंकित जी मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूं तो उससे पहले कि मैं एक बात रखना चाहूंगा, हमारे नेता ने हमें एक ही संदेश दिया है, डरो मत। तो वही डरो मत, मैं जब आपसे नहीं कह रहा हूं, मेरे अपने मित्र आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से केवल इतना ही पूछना है कि जब 15 में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ तो सुखपाल खैरा जी जब भी पंजाब के लोगों की आवाज अकालियों के खिलाफ उठा रहे थे इसलिए दर्ज हुआ। जब 17 की बात कर रहे हैं तो एजेंसी भारत सरकार की थी, पीएमएलए जी, इसने दर्ज किया, पंजाब के लोगों की आवाज उठा रहे थे, वो कांग्रेस ज्वाइन कर गए तो उनसे बदलाखोरी हुई, आज फिर वो पंजाब के लोगों की आवाज ना उठा रहे हैं, और राघव चड्ढा की शादी में कितने लोग गए, अगर ये प्रश्न पूछना
लोगों की हक की बात नहीं है। अगर वहां के गवर्नर 50,000 करोड़ की बात उठाते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, उनकी बात को उठाना गलत है, ठीक है। तो सुखपाल सिंह कह रहा। और जहां तक अंकित जी, ये इंडिया एलायंस जो है वो नेशनल राजनीति को देखते हुए बना है, ठीक है। जहां तक सर, मेरा मानना है कि ये ठीक है, लेकिन एक बात, ये बात कांग्रेस को भी समझनी होगी कि आप जनता के हितों की बात उठा रहे हैं, वो बिल्कुल उठाना जायज है, उठाना भी चाहिए, लेकिन सर इन्वेस्टिगेशन में अभी क्लीन चिट नहीं मिली है सुखपाल खेरा को, तो आप ये ना मान के चले। और जो आपने भगत सिंह वाली बात कही थी कि वो कोई भगत सिंह वाला काम करे, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अपना काम करेंगे। विनोद अग्निहोत्री जी, क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया सर, मैं आपसे बस आपसे ही पूछना चाहता हूं, तो ये क्या ये मान के चला जाए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में तो कम से कम साथ नहीं आ सकते, लेकिन एक दूसरा नजरिया ये भी है विनोद जी कि उन्हें आने की जरूरत भी नहीं है, इंडिया अलायंस में रहते हुए भी दोनों अगर आमने सामने लड़ भी लेते हैं, जिसको भी सीटें मिलेंगी वो रहेंगी तो ऑपोजिशन के पास ही। अंकित जी ऐसा है, एक मिनट में अपनी बात पूरी करने दीजिए। एक बड़ा एक जबरदस्त जो है उदाहरण है हमारे सामने इंडिया अलायंस का, केरल का। केरल में भी आप देखिए लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और लड़ते हैं, और 2024 में भी लड़ेंगे। कुछ वही मॉडल मुझे लगता पंजाब में भी चलेगा। दिल्ली में हो सकता है समझौता हो जाए इनके बीच में, लेकिन पंजाब में कमोबेश वही मॉडल चलेगा, क्योंकि कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी दल है वहां पर, अकाली दल नहीं है वहां विपक्षी दल। तो विपक्ष और सत्ता पक्ष अगर एकजुट एक साथ आ जाएंगे तो सारा स्पेस खाली हो जाएगा अपोजिशन का, और वो अपोजिशन का स्पेस कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहेगी। और लोकसभा का चुनाव कांग्रेस को यह भरोसा है कि दो जिस तरह पिछली बार 13 सीटों में उनको 9 सीटें मिली थी, इस बार भी उनका पलड़ा भारी जाएगा, ये कांग्रेस का दावा है। तो मुझे लगता है कि पंजाब में शायद ये समझौता न हो, दोनों अलग अलग लड़े केरल के मॉडल पर। बिल्कुल, उसका क्या एक कंफ्यूजिंग साइन जरूर जाएगा वोटर को, अब ये जनता और वोटर पे छोड़ना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।